एक समय की बात है जब गांव में एक राजन पनवाड़ी की बड़ी ही मशहूर दुकान थी। राजन के पान पूरे गांव में मशहूर थे, सब दूर दूर से उसके पान खाने आते थे। एक दिन की बात है जब राजन की दुकान पर बहुत ही भीड़ लगी होती है। अरे भैया तनिक सबर रखो, हम सबको पान दे रहे हैं। अरे भाई मुझे जरा सबसे पहले पान देना, गला बड़ा सूख सा रहा है। अरे भाई तो मैं तुमसे पहले से खड़ा हुआ हूँ, घर में मेहमान आए हुए हैं, मुझे उनके लिए पान लेकर जाना है। अरे भैया तुम दोनों सबर रखो, मैं सबको पान दे रहा हूँ ना। राजन पान वाला राजू को पान पैक करके देता है और राजू वहाँ से चला जाता है। राजू के हाथ में पान की थैली होती है और वो मजे से रोड पर चले जा रहा होता है। अब अचानक से सामने से एक साइकिल वाला आता है जिससे राजू की टक्कर हो जाती है। राजू थैली लेकर गिर पड़ता है और उसके सारे पान फैल जाते हैं। अरे भैया कैसे साइकिल चला रहे हो, मुझे गिरा दिया ना। अरे भैया मैं तो बिल्कुल ठीक सामने देखकर साइकिल चला रहा था, तुम्हें पता नहीं किस धुन में चल रहे थे। साइकिल वाला वहाँ से चला जाता है और राजू फिर अपनी थैली देखने लगता है। मेरे सारे पान गिरा दिए, अब मैं क्या करूं? ये सब तो गंदे हो गए मिट्टी में। एक काम करता हूँ, दोबारा जाकर दूसरे पान ले आता हूँ। राजू अपने पान वहीं छोड़ देता है और दूसरे पान लेने चल देता है। अब आधी रात में जब दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, तब वहाँ एक चुड़ैल आती है। रात को उस जगह उस चुड़ैल का राज होता है। वो मजे से यहाँ वहाँ घूम रही होती है कि तभी वहाँ उसको पान पड़े दिखते हैं। चुड़ैल वहीं बैठकर उनको उठाकर देखने लगती है। अरे ये तो पान है। चुड़ैल एक पान अपने मुंह में डालती है तो उसे वो पान बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वो बड़ा स्वाद लेकर उसको खाने लगती है। अरे वाह ये तो बड़ा ही स्वाद है, मजा आ गया खाकर। अब एक एक करके चुड़ैल सारे पान खा जाती है और यहाँ वहाँ किसी के घर की दीवार पर थूक देती है। जब उस घर की मालकिन सुबह उठती है तो गुस्से में लाल हो जाती है। अरे ये मेरा घर किसने गंदा कर डाला, मैं इतनी सफाई रखती हूँ, ये जरूर साथ वाले राजू ने किया है, वही दिन भर पान खाता है। अरे ओ राजू बाहर निकल। आवाज सुनकर राजू नींद में बाहर आता है। अरे भाभी जी क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? ये देखो मेरे घर की दीवारों पर क्या हो रखा है, यहाँ आसपास तुम्हारे अलावा कोई पान नहीं खाता, ये सब तुमने ही किया है। अरे भाभी मैं कसम खाता हूँ मैंने ये सब नहीं किया, और इतने साल हो गए मुझे यहाँ पर, तो क्या पहले कभी ऐसा किया है जो अब करूँगा? तो ये सब गंदगी कौन कर गया? अगर मुझे पता लग गया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ललिता गुस्से में अंदर चली जाती है और फिर राजू भी अंदर चला जाता है। उस रात चुड़ैल फिर से उसी जगह भटकने लगती है। कल मैंने वो स्वादिष्ट पान क्या खा लिए, अब तो मेरा फिर से वही खाने का मन कर रहा है, पर वो पान मुझे मिलेगा कहाँ? चुड़ैल पान की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है पर उसे तो कहीं भी पान नहीं मिलता। काफी देर हो जाती है और फिर जाकर उसको राजन पनवाड़ी की दुकान दिखती है। उसकी दुकान पर काफी भीड़ हो रखी होती है। अरे मुझे तो लगा मुझे ही पान इतना पसंद है, पर यहाँ तो पहले से ही भीड़ लगी हुई है। खैर अब मुझे ये सोचना है कि मैं वहाँ जाकर पान कैसे लूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। बस फिर चुड़ैल उन लोगों को पकड़ने का सोचती है जो लोग रास्ते में पान लेकर जा रहे होते हैं। वो एक आदमी का पीछा करती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है? वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक चुड़ैल होती है। वो आदमी उस चुड़ैल से दूर भागने लगता है और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। वो आदमी भागते भागते एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वो बड़ी जोर जोर से हांफने लगता है और फिर धीरे से बाहर आकर देखता है तो वो चुड़ैल उसके सामने ही खड़ी होती है। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? मुझे ये पान चाहिए, मुझे ये पान दे दो फिर मैं तुमको जाने दूंगी। ऐसा है तो ये लो सारे पान रख लो और मुझे जाने दो। चुड़ैल उस आदमी से सारे पान ले लेती है और उनको देखकर एकदम खुशी से पागल हो जाती है। पान 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 मिल गए मुझे। ये कैसी चुड़ैल है, पान खाने वाली चुड़ैल भी कोई होती है क्या? मैंने तो सुना था कि चुड़ैल खून पीती है और मांस खाती है। चुड़ैल एक एक करके सारे पान खाने लगती है और उसके मुंह से पान खून की तरह टपक रहा होता है। वो आदमी मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल एक के बाद एक पान पर पान खाए जा रही होती है। जब उसके सारे पान खत्म हो जाते हैं
तो वो किसी दूसरे आदमी को पकड़ लेती है, उससे भी वो सारे पान छीन कर। अब उस चुड़ैल का ये सब रोज का हो जाता है और जिनके साथ भी ये हादसा हुआ होता है वो राजन पनवाड़ी के पास आना ही छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे राजन पनवाड़ी की दुकानदारी कम होने लगती है, उसकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रहती। एक दिन राजन पनवाड़ी बड़ा परेशान होने लगता है और पान बनाते वक्त उसका ध्यान इसी में लगा होता है कि तभी हरिया उससे पूछता है, अरे भाई क्या बात है, आज तुम बड़े उदास से दिख रहे हो, पान भी मन से नहीं बना रहे। बात ही ऐसी है, बस क्या बताऊं। अरे भाई बताओ तो सही, मैं कितने सालों से तुम्हारी दुकान पर आ रहा हूँ और पहली बार तुमको ऐसे उदास देख रहा हूँ, बताओ तो क्या बात है। अरे बस समझ नहीं आ रहा कि अचानक मेरी दुकान पर लोग आना बंद क्यों हो रहे हैं, जो लोग सालों से आ रहे हैं और बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोज आते हैं वो भी नहीं आ रहे, बात कुछ समझ सी नहीं आ रही। हाँ ये तो तुमने सही कहा, पहले तुम्हारी दुकान में खूब भीड़ लगी रहती थी और अब तो बस ऐसे ही है। क्या मेरे पान में तो कोई कमी नहीं है, कहीं पहले जैसा स्वाद ना आ रहा हो लोगों को। अरे भाई पान तो बिल्कुल वैसा है जैसा सालों पहले था, टनाटन। भाई बात कुछ और ही है, अचानक से बंधे हुए ग्राहकों का आना बंद हो जाना अजीब तो है। हाँ पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। उस रात राजन परेशान होकर अपने घर लौट रहा होता है, पर रास्ते में वो कुछ सब्जियां खरीदने के लिए बाजार होता हुआ जाता है। अब बाजार में उसे अपना कोई पुराना ग्राहक दिख जाता है। राजन जल्दी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे भैया तुम यहाँ? अरे भैया तुम? हाँ सोचा सब्जी लेते लेते निकल जाऊँ और तुम दिख गए। वैसे तुम बड़े दिनों से दुकान पर नहीं आ रहे, पहले तो रोज आते थे, मेरे बनाए पान के बिना तुम्हारा खाना भी हजम नहीं होता था। अरे भैया तुम तो नाम ही मत लो पान का, मुझे तो नाम से ही डर लगता है, अब मैंने तो अब पान खाना ही छोड़ दिया जब से उस चुड़ैल को देखा है। अरे भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, जरा ठीक से बताओ क्या बात है, कौन सी चुड़ैल? अरे भाई 2 हफ्ते पहले जब मैं आखिरी बार तुम्हारी दुकान पर आया था तो मैंने 2 पान घर के लिए भी पैक करवाए थे। मैं मजे से घर की तरफ आ ही रहा था कि वो जो बीच में सुनसान रास्ता पड़ता है वहाँ मेरे सामने एक भयानक चुड़ैल आ खड़ी हुई। चुड़ैल? क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया चुड़ैल, और वो भी पान खाने वाली चुड़ैल। उसने मुझे डराया धमकाया और फिर मुझसे पान छीन कर खाने लगी, और ऐसे पान खा रही थी जैसे कि बस जन्मों की भूखी मांस खा रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। राजन उस रात घर तो आ जाता है पर उसका दिमाग उस आदमी की बातों में ही घूम रहा होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो सच बोल रहा है या झूठ, इसलिए वो अगली रात खुद पान लेकर उस रास्ते से गुजरता है। रास्ता एकदम सुनसान और दूर दूर तक कोई नहीं होता। राजन पान हाथ में लिए चल ही रहा होता है कि एकदम कोई उसका पान छीन लेता है। राजन देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सच में पान खाने वाली चुड़ैल ही होती है। बस एक ही पान लेकर आया तू, इससे मेरा क्या होगा बता? वो मुझसे गलती हो गई। तो अब याद रखना, कल मेरे लिए ढेर सारे पान लेकर आना वरना अच्छा नहीं होगा। राजन वहाँ से जैसे तैसे बचकर घर आता है और अब उसको पान खाने वाली चुड़ैल वाली बात याद आ जाती है। अगले दिन राजन एक बाबा के पास जाता है और उनको उस पान खाने वाली चुड़ैल के बारे में सब बताता है। बाबा भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि किसी चुड़ैल को पान खाने का भी शौक है, पर वो राजन को एक सुपारी पढ़कर देते हैं। अब ये सुपारी ले जा और पान में मिलाकर उस चुड़ैल को खिला दे। अब राजन अगले दिन ऐसा ही करता है, उस सुपारी को एक पान में मिला देता है और बाकी पान के साथ चुड़ैल के लिए ले जाता है। चुड़ैल पान देखकर एकदम खुश हो जाती है। अरे वाह तू तो मेरे लिए पान लेकर आ गया, जल्दी दे अब। चुड़ैल राजन से पान छीनकर खाना शुरू कर देती है, पर जैसे ही वो सुपारी का पान खाती है उसे अजीब सा होने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? चुड़ैल को खून की उल्टी होने लगती है। ये तूने मुझे कोई जादुई पान खिलाया है, मुझे नहीं खाना कोई पान अब से।
चुड़ैल इतना कहती हुई वहाँ से भाग जाती है और दोबारा कभी दिखाई नहीं देती और राजन पनवाड़ी की दुकान फिर से पहले जैसी चलनी शुरू हो जाती।